नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज वर्ल्ड के बायोटेक्नोलॉजी के इस लेक्चर में मेरा आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बायोटेक्नोलॉजी का ये लेक्चर 1 है जिसमें हम सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के। यदि आप यूपीएससी एमपीपीएससी एमपीएसआई एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो लेक्चर है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इतिहास की और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है बायोटेक्नोलॉजी का देखते हैं, जिसमें सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग जो है किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि हंगरी की जो है एक कृषि वैज्ञानिक है और इंजीनियर भी रहे हैं, कार्ले एरेकी ने जो है 1919 में बायोटेक्नोलॉजी शब्द का पहली बार जो है प्रयोग किया था। इसके बाद 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की, आप जानते हैं, और उस खोज के बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो वास्तविक डेवलपमेंट जो है, वास्तविक जो है आप कह सकते हैं विकास का जो प्रथम युग है वो जो है प्रारंभ हुआ 1929 के बाद। 1953 में जो है हम कह सकते हैं 1953 जो है वो एक ऐसा ऐतिहासिक वर्ष रहा जो कि बायोटेक्नोलॉजी के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि 1953 में जेम्स वाटसन, याद रखिएगा फ्रेंड्स नाम, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्कंस, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। पहला जेम्स वाटसन, दूसरा फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक, और इसके बाद अगला जो आपको नाम याद रखना है वो है मॉरिस विल्कंस। इन्होंने डीएनए की जो है दोहरी कुंडलित संरचना यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो खोजा था 1953 में, और इसके बाद जो है इन्हें 1962 में जो है इस कार्य के लिए क्या मिला, नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया। फ्रेंड्स, इस 1953 के बाद जो है बायोटेक्नोलॉजी का विकास जो है एक अलग गति से जो है होने लगा, और इसके बाद 1956 में इस विकास में काम किया हमारे वैज्ञानिक कॉर्नबर्ग ने क्या करा, 1956 में डीएनए को टेस्ट ट्यूब में जो है बनाया, संश्लेषित किया, और ओकोवा जो है उन्होंने आरएनए को जो है टेस्ट ट्यूब में बनाया, ठीक है। दोनों को 1959 में इस कार्य के लिए क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। देन 1968 में हरगोविंद खुराना जी, जिन्होंने क्या बनाया, कृत्रिम जीन बनाया, ठीक है, कृत्रिम जीन जो है तैयार किया। कृत्रिम जीन की खोज किसने की था आपको बताना है, हरगोविंद खुराना। इसके बाद 1970 में हैमिल्टन समेत डेनियल और नाथन्स ने डीएनए के भाग को काटने के लिए जो प्रतिजैविक एंजाइमेंट जो होते हैं उसकी खोज की, और 1972 में पॉल वर्ग ने दो अलग अलग डीएनए को लेकर एक नया डीएनए तैयार किया, और इसीलिए इन्हें बायोटेक्नोलॉजी का जो है फादर कहा जाता है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पॉल वर्ग, याद रखना पॉल वर्ग को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। लेकिन भारत में बायोटेक्नोलॉजी के जो पिता हैं वो है किरण मजूमदार, आपको याद रखना। भारत में जो है जो अभी डायरेक्टर है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन के, ठीक है, तो भारत में जो बायोटेक्नोलॉजी के पिता है वो किरण मजूमदार है, और वर्ल्ड लेवल पर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के जो पिता हैं वो हैं पॉल वर्ग, जिन्होंने 1972 में एक नया डीएनए तैयार करा था दो डीएनए को जोड़। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सिंपल डेफिनेशन की, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। जीव विज्ञान की वे शाखा जिसमें सजीवों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों को, ठीक है, एक ऐसी शाखा जिसमें हम सजीव यानी जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु वगैरह, इनका उपयोग करके या इनके द्वारा बनाए गए हार्मोन वगैरह, जो द्वारा बनाए गए पदार्थों का उपयोग करके, जिसमें विज्ञान और तकनीकी की सहायता से उनका उपयोग करने के बाद कृषि और उद्योग और चिकित्सा में जो है काफी विकास किया जा सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों को विज्ञान और तकनीकी की सहायता से कृषि उद्योग
चिकित्सा आदि में उपयोग के लिए विकसित किया जाता है, ऐसी शाखा को हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि जो जैविक प्रक्रियाएं हैं, उन जैविक प्रक्रियाओं के औद्योगिक उपयोग को ही हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं, जो भी सजीव से जो है हम उसमें विज्ञान और तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है हम उसका प्रयोग औद्योगिक उपयोग के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए दूसरे शब्दों में हम इतना कह सकते हैं कि जो भी जैविक प्रक्रियाएं हैं उनका अगर औद्योगिक उपयोग हो रहा है तो यानी वो बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो दो शब्द से मिलकर बना, एक तो जैव और एक प्रौद्योगिकी। तो जैव यानी जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जो है जो सजीव जो पदार्थ जो जीव जो है विकसित किए जाते हैं, जिसकी सहायता से कृषि क्षेत्र उद्योग और चिकित्सा में जो है हम विकास करते हैं, वो जो है क्या कहलाती है, जैव टेक्नोलॉजी या बायो टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ऑथेंटिक डेफिनेशन जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में जो है इसकी दी गई थी, जो कि 1992 में हुआ था। इसमें या इस सम्मेलन के अनुसार अगर हम देखें बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा, तो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग जो सिद्धांत है उनको अपनाकर पौधों और पशुओं की जो सूक्ष्म कोशिकाओं का उपयोग कर विभिन्न सामग्री और सेवाओं को विकसित किया जाना या करना जो है क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि डेफिनेशन में कि जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ इतना कि सजीवों का हम जो है विज्ञान और तकनीकी सहायता से कृषि क्षेत्र में, उद्योग में, चिकित्सा में आदि में जो है हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इस शाखा को हम क्या कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं। वैसे तो कई शाखाएं हैं फ्रेंड्स, लेकिन कुछ जो है मेन शाखाएं जो है हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जिसे फर्स्ट जो है हमारी वो है रेड बायोटेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, यहाँ पर देखिएगा कि जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठीक है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज हेल्थ के उसमें करें, हेल्थ के रेफरेंस में करें, ठीक है, हेल्थ के संबंध में करें, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में करें, तो उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। उस बायोटेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, रेड बायोटेक्नोलॉजी। देन ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या है फ्रेंड्स, तो जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो जैव प्रौद्योगिकी है, उसका उपयोग जलीय परितंत्र और जलीय जैविक संसाधन के क्षेत्र में अगर किया जाए तो वो कहलाती है हमारी ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे ही फ्रेंड्स, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में किया जाता है, यानी कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में जब हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, तो उस जो है बायोटेक्नोलॉजी को, उस जैव प्रौद्योगिकी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी कुछ शाखाएं हैं बायोटेक्नोलॉजी की, उनमें आती है येलो। येलो जो है, जब हम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कीटों से संबंधित क्षेत्र में करते हैं, ठीक है, लाइक कीटों का अध्ययन वगैरह इनमें, तो वो हमारा कहलाता है येलो बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, और गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित अध्ययन करते हैं। पर्पल बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें पेटेंट वगैरह पब्लिकेशन, जो नए नए आविष्कार जो हो रहे हैं, आविष्कारों को पेटेंट कराना, ये सब जो है ये पर्पल बायोटेक्नोलॉजी में आता है। देन डार्क बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है फ्रेंड्स, तो जो बायोटेरिज्म है, ठीक है, जो बायो वारफेयर है, बायोटेरिज्म, जैसे कि मान लीजिए किसी ने कोई घातक वायरस जो है बनाया और उसको जो है किसी देश में छोड़ दिया, फैला दिया, है ना, इस तरीके से वो बायोटेरिज्म करके होता है। और ऐसे ही अब अगर हम बात करें तो ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी, तो ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी क्या है, मरुस्थलीय से संबंधित जो है अध्ययन जो है वो किसमें आता है, ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी में आता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जैव प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का वर्गीकरण, तो इसमें अगर हम देखें तो मेनली हम दो तरीके से इसका वर्गीकरण करते हैं, एक तो जेनेटिक और एक नॉन जेनेटिक। जेनेटिक और नॉन जेनेटिक, इसमें आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जेनेटिक जो होते हैं, अनुवांशिक जैव प्रौद्योगिकी जो होती है, इसमें क्या होता है, जीनों का स्थान जो है एक जीव से दूसरे जीव में हम
कर दिए जाते हैं, जो जीन होते हैं उनका क्या कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं एक जीव से दूसरे जीव में। जैसे कि हमारा अनुवांशिकी अभियांत्री या क्लोनिंग या जीन थेरेपी, जो कि आगे आपके जो है लेक्चर के टॉपिक है, तो ये जो है इसके एग्जाम्पल है। गैर जो है अनुवांशिकी ये प्रौद्योगिकी, इसमें क्या होता है, संपूर्ण कोशिका या ऊतक का एक साथ जो है संपादन किया जाता है, जैसे ऊतक संवर्धन। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि जो हमारी जैव प्रौद्योगिकी है उसका वर्गीकरण किया जाता है दो भागों में, एक जेनेटिक जिसमें हम क्या करते हैं जीनों का स्थानांतरण कर देते हैं, ठीक है, एक जीव से दूसरे जीव में, और एक होता है नॉन जेनेटिक जिसमें हम जीनों का स्थानांतरण नहीं करते हैं बल्कि संपूर्ण कोशिका या ऊतक का जो है एक साथ संपादन किया जाता है, जैसे टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। फ्रेंड्स जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जो है हर क्षेत्र में है, लेकिन मेनली जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है एक तो कृषि क्षेत्र, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आपका है एक स्वास्थ्य क्षेत्र। तो इन दोनों में जो है आपके अनुप्रयोग जो है आपको याद रखने। तो पहला जो है हम कृषि क्षेत्र में देखें तो कृषि क्षेत्र में सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो है फसलों को कीट प्रतिरोधी बनाना। फ्रेंड्स फसलों को कीट प्रतिरोधी बनाना यानी किसी भी प्रजाति के जो उपयोगी अनुपयोगी जीन है। फ्रेंड्स क्या हुआ, जब जीन की खोज हुई, जब डीएनए की खोज हुई, तो डीएनए की 1953 के बाद जब जो है ये पता लगाया गया कि उपयोगी जीन और अनुपयोगी जीन को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो इस उपयोगी जीन और अनुपयोगी जीन को जब हम अलग कर सकते हैं तो ऐसे पौधे तैयार करना कि जो कीट के प्रतिरोधी, जिससे ऐसी फसलों को तैयार करने में मदद मिली जो फसल जो है कीट के प्रतिरोधी हैं। तो फसलों को कीट प्रतिरोधी बनाना ये पहला जो है अनुप्रयोग है कृषि क्षेत्र में। फसलों की पैदावार बढ़ाना, फ्रेंड्स जीन प्रतिस्थापन से पौधों को सूखा, गर्मी, वर्षा आदि से बचाकर फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, और इस तरीके से जो है फसलों की पैदावार हम बढ़ाने में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। खाद प्रसंस्करण, अब खाद प्रसंस्करण में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो एंजाइम बनाया गया है, जो काइमोसिन जो बनाया गया है, ठीक है, जो कि जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से बनाया गया, इसका उपयोग जो है पनीर उद्योग में बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जो कि करता है पनीर की शुद्धता बढ़ाता है और पनीर की उत्पादन में मात्रा भी बढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरीके से खाद प्रसंस्करण के सुधार में भी जो है हम कैसे हैं जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ पोषक तत्वों की मात्रा में भी सुधार करते हैं। इसके क्या होता है, जैव टेक्नोलॉजी जो है उससे फलों सब्जियों फसलों कि जो पोषक तत्व है उनको बढ़ाया जा सकता है इच्छा अनुसार, जैसे गोल्डन राइस जिसमें जो है विटामिन ए की जो है मात्रा बढ़ाई गई है। इस तरीके से जो है हम ऐसी सब्जी या फल या फसल तैयार कर सकते हैं जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा जो है अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है खाद में वृद्धि और ताजे उत्पाद। अब खाद में वृद्धि और ताजे उत्पाद, इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है लंबे समय तक का जो ना खराब होने वाला टमाटर। फ्रेंड्स क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से जो खाद पदार्थ है उनके जीवन को बढ़ाया जा सकता है ताकि वे लंबे समय तक जो है परिवहन के बाद भी उनमें ताजगी बनी रहे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है, जो देरी से खराब होने वाला टमाटर है उसे जैव प्रौद्योगिकी जैव तकनीकी की सहायता से बनाया जाता है जो कि काफी लंबे समय बाद जो है खराब होता है। नेक्स्ट जो है अगर हम अनुप्रयोग की बात करें तो वह स्वास्थ्य में अनुप्रयोग, जिसे जैव दवाइयां, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से अब रासायनिक दवाओं के स्थान पर सूक्ष्म जीवों से युक्त जो दवाएं उनका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, जो कि काफी असरदार साबित हो रही है। साथ ही साथ जीन थेरेपी में जो है हम उपयोगी और अनुपयोगी जीनों को देखकर जो है उन जीनों का क्या करते हैं, हम प्रतिस्थापन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है जैव प्रौद्योगिकी का, और इसका उपयोग जो है वो किस किस इलाज में किया जा रहा है, तो कैंसर एवं पार्किंसन जैसे रोगों के निदान के लिए जो है जीन थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है। जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, जिसके द्वारा जीनों का जो है पता लगाया जाता है, अनुवांशिक रोगों का पता लगाया जाता है, ठीक है, ताकि माता पिता से जो है बच्चों में जो है वो अनुवांशिक रोग ना जाए, और साथ ही साथ जो है बच्चों के सही माता पिता का जो है टेस्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है बायोचिप।
फ्रेंड्स बायोचिप क्या है, ये जैव प्रौद्योगिकी और नैनो टेक्नोलॉजी का संयुक्त रूप है, ठीक है। और ये जो है ये वातावरण में जो जैविक अणु होते हैं उनकी पहचान करता है, और साथ ही साथ जो है युद्ध के क्षेत्र में जो है इसका जो है भरपूर उपयोग किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो देश है वो जैविक हमले ना करे, तो जैविक हमले से बचने के लिए जो है बायोचिप का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट ट्यूब विधि। टेस्ट ट्यूब विधि जो है उसमें प्राकृतिक रूप से जो असमर्थ माता पिता होते हैं उनके शुक्राणु और अंडाणु को एक प्रक नली में भारी निषेचन उनमें कराया जाता है, जिस और उसके बाद जो है भ्रूण को गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग थे, यूजेस थे, यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। देन फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आप हमारे इस लेक्चर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के इस लिंक के द्वारा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं द नॉलेज वर्ल्ड। नेक्स्ट लेसन जो है आपका मैं जल्दी लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।